हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो का टॉपिक है मेरे पास आया है बजाज कंपनी का 180 पल्सर। और इस बाइक में जो खो क्या रहा है, जो मीटर लाइट है, मीटर कंट्रोल में हम लोग का लाइट नहीं आ रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ देखिए इग्निशन हमने ऑन किया, कोई भी लाइट नहीं जल रहा है। बट यहाँ हम लोग आपको दिखाते हैं, इंडिकेटर दे रहा हूँ तो इंडिकेटर हम लोग का काम कर रहा है। और पासिंग देंगे तो पासिंग लाइट भी काम कर रहा है, यानी कि हाई लाइट भी काम करेगा हेडलाइट स्टार्ट होने पर। बट मीटर कंट्रोल में हम लोग का जो वोल्टेज है, लाइन है, वो हम लोग को नहीं हो पा रहा है। तो काफ़ी सारे वायर जो है सब खोल के देख लिया गाइस। अब एक वायर भी हम लोगों को जैसे कि कटा नहीं दिख रहा है, तो कैसे हम लोग जांच करें। तो मैंने एक जांच किया, ये बाइक मेरे पास है ऑलरेडी बजाज पल्सर। तो ये मीटर कंट्रोल हमने इस बाइक पर लगाया, लगाने के बाद मीटर कंट्रोल हम लोग का एकदम बिल्कुल बराबर सही है और लाइट काम कर रहा है। तो मुझे कंफर्म हुआ जो बाइक में एक्चुअली कहीं वायरिंग पर कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इसीलिए लाइट नहीं जल रहा है। तो पूरा वायरिंग को मैंने खोला और आप लोगों को वीडियो के जरिए से दिखाएंगे जो एक्चुअली फॉल्ट कहां पर है गाइस, किस लिए ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, वोल्टेज हमने यहाँ देखा है गाइस, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, खोल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग का वोल्टेज दो वायर में हम लोग का वोल्टेज मिलेगा तभी ये काम करेगा। तो एक वायर में मैं आपको बताता हूँ वोल्टेज कैसे मिलेगा। जो ये वाला वायर है इसमें हम लोग का 12 वोल्ट आएगा, मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। मेरे पास लैंप है, देखिए गाइस यहाँ जल रहा है। और यहाँ पर एक वाइट कलर की वायर है, इसमें भी हम लोग का वोल्टेज आएगा तो ही हम लोग का काम करेगा। तो चलो इसको भी हम लोग टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वोल्टेज नहीं आ रहा है इस वायर में, तो दो वायर में हम लोग का वोल्टेज आएगा। तो इग्निशन बंद करने में एक जगह पर वोल्टेज हम लोग का बंद हो जाएगा, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो वोल्टेज है इग्निशन बंद करने में हम लोग का ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और ये जो व्हाइट कलर की वायर है, इग्निशन अगर बंद करेंगे तो भी वोल्टेज आएगा, लेकिन इस वायर में हम लोग का वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो वही हम लोग को देखना है। एक बार और आप लोगों को दिखा देता हूँ, वाइट कलर वायर में तो यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा है। अब वाइट कलर की वायर जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, सब टान टान के देख लिया हूँ। अब गाइस यहाँ देखिए, ये वाइट कलर की वायर जो है यहाँ से कटा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए वायरिंग पर मैंने सारे चीज़ खोला है और ये वायर यही जगह पर हम लोग का अटैच था, ठीक है। अब ये वायर कहाँ जाता है, जैसे कि फ्यूज बॉक्स होकर आता है, मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। इसमें हम लोग का एक वोल्टेज होता है, देखिए देखिए बैटरी का नेगेटिव में लगा रहा हूँ तो जल रहा है और यहाँ भी जल रहा है, देखिए। तो यानी कि यह वोल्टेज हम लोग का डायरेक्ट जाएगा कहाँ, मीटर कंट्रोल में। तो चलो एक वायर हम लोग अटैच करते हैं गाइस। मैंने यहाँ वायर को कटा है, अब यहाँ मैंने जैसे कि यहाँ सॉकेट है तो यहाँ वायर कटने के बाद मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है। अब आप लोगों को दिखाता हूँ वोल्टेज यहाँ हम लोग को यहाँ भी मिलेगा। अभी इग्निशन बंद है, ठीक है, इग्निशन बंद है, मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ करके। यहाँ से दो नंबर पे देखिए वोल्टेज, और इग्निशन ऑन ऑफ करो। हाँ, तो यहाँ वोल्टेज हम लोग कट नहीं हो रहा। और यहाँ देखिए दो वोल्टेज है, इग्निशन ऑन करो, ऑफ करो, बस। तो आप लोग को दो वोल्टेज देखना है, एक सफ़ेद कलर की वायर में यहाँ हम लोग को वोल्टेज रहेगा जैसे कि इग्निशन बंद करने के बाद भी, और इस वायर में इग्निशन ऑन करने के बाद आएगा। तो दो वोल्टेज, और यहाँ एक हम लोग का ब्लैक कलर में जो पीला कलर की है उसमें बॉडी अर्थिंग भी आप लोग को चेकअप करना है। बॉडी अर्थिंग अगर कट जाएगा तो भी काम नहीं करेगा। कैसे चेकअप करेंगे मैं आपको बताता हूँ। एक वाइट कलर में हम लोग लैंप लगाएंगे और एक ब्लैक में जो पीला है दोनों तीन नंबर में उसको लगाना है। चलो इसमें एक में लगा देता हूँ। जल रहा है, और तीन नंबर पे जो अर्थिंग है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए ग्राउंड भी मिल गया है, यहाँ से मैंने ग्राउंड ले लिया है ब्लैक में पीला, और वोल्टेज वाली वायर है वाइट कलर, और यहाँ सिल्वर में रेड। तो तीन चीज़ हम लोग को गौर करना है। तो चलो मीटर कंट्रोल लाइए, मीटर कंट्रोल में हम लोग अटैच करते हैं और एक्चुअली देखेंगे जो लाइट हम लोग आ रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स चलिए,
चलिए गाइस, देखिए गाइस, मीटर कंट्रोल में हम लोग का वोल्टेज आ चुकी है और हम लोग का सारे के सारे चीज़ काम कर रहा है। स्टार्ट मारो, हेडलाइट दो। तो फ्रेंड्स, यहाँ मीटर कंट्रोल में हम लोग का लाइन आ चुकी है। चलो कुछ डिटेल्स आप लोग को शेयर कर देता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा एक वोल्टेज, ठीक है। और ये वाला जो वायर है हम लोगों का हाई लाइट की है, ये निटोल लाइट की है। तो काफ़ी सारे वोल्टेज यहाँ आते हैं हर प्रकार की, जैसे कि मीटर कंट्रोल में हाई लाइट दिया गया है, न्यूट्रल दिया गया है, इंडिकेटर दिया गया है, बैटरी इंगेज दिया गया है, आरपीएम दिया गया है। तो अगर टोटल वोल्टेज ना, जैसे कि मीटर ना जले, तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं देखने का आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप लोग को दो वोल्टेज देखना है, ठीक है। एक वाइट कलर और एक जो सिल्वर कलर में रेड है, इसमें वोल्टेज आप लोग को दो पर करके मिलेगा और एक बॉडी अर्थिंग। अब यानी कि हाई लाइट नहीं जल रहा है तो आप लोग इस वायर को देखिए, ब्लैक में रेड है। अगर न्यू पार्किंग लाइट नहीं जल रहा है, हेडलाइट देने से लाइट नहीं आ रहा, तो इसमें आप लोगों को वोल्टेज देखिए, एसी वोल्टेज आएगा हेडलाइट देने पर। इंडिकेटर नहीं जल रहा है तो यहाँ आप लोगों को दो प्रकार के दो देखने को मिले, एक हरा एक सिल्वर कलर की है, हम लोग न्यूट्रल के इंडिकेटर की है। तो यहाँ काफ़ी सारे वायर दिया गया है। अगर टोटल बंद हो तो आप लोगों को तीन पॉइंट देखना है, बस आप लोगों का काम बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो के जरिए से दिखाया बजाज पल्सर बाइक में मीटर किस तरह से वर्क करता है और कहाँ कितना वोल्टेज होना चाहिए, और ये एक्चुअली ये ख़राब था और मैंने ठीक करके दिखाया। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ से हम वीडियो समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। थैंक यू।